अस्सलाम वालेकुम। एक भाई ने कमेंट करके हमें बताया कि उनका मशीन बिल्कुल जाम है, ना आगे बढ़ रही है ना पीछे बढ़ रही है। तो आज मैं इस पर वीडियो बनाने वाला हूँ। तो मेरे अंदाज़ से उनका जाम इस वजह से हो गई होगी, क्योंकि काफ़ी दिन से रखने से भी ऐसा हो जाती है मशीन। ठीक है, अगर जाम है तो सबसे पहले आप क्या करें, ये प्लेट मैं खोल के हटा देता हूँ ताकि आपको दिखे अच्छा। ठीक है, मैं इसको सामने का प्लेट भी खोल लिया और ये नीचे बैठती है ये भी प्लेट खोल लिया ताकि आपको दिखे अच्छा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अगर काफ़ी दिन से अगर आपकी मशीन रुकी हुई है, इस्तेमाल नहीं कर रहे या फिर इस्तेमाल कर रहे तो जाम पड़ जाती है। तो सबसे पहले यहाँ का एक जो बोल्ट है चक्की का, इसको ढीला कर लीजिए। फिर दूसरा बोल्ट यहाँ पर रहता है, इसको ढीला कर लीजिए। अब इसको ऐसे ऐसे खींच करके इस तरह निकाल लीजिए, ये चक्की निकल गई। और देख लीजिएगा इसके अंदर धागा फंसा हुआ तो नहीं ना है, क्योंकि इसके अंदर धागा फंसती नहीं है, कभी कभी चलते चलते क्या है इसके अंदर धागा का टुकड़ा आ जाती है। अब इसको पहले हम इसको अच्छा से साफ कर लेंगे और देख लीजिए कि इसके अंदर धागा तो फंसी तो नहीं ना है, क्योंकि मैं इसको खोल के साफ करते रहता हूँ इसलिए मेरा साफ दिख रही है। इसके अंदर देख लीजिए, अगर धागा फंसी रहेगी तो बिल्कुल जाम पड़ जाएगी। ये देखिए, इसके अंदर धागा फंसा हुआ नहीं रहना चाहिए। तो आप इसको और इसको खोल, अगर इसको खोल दिए ना तो यहाँ पे है ना, ये देखिए छोटा सा कोई वजन वाले सामान से इसको हल्का हल्का ऐसे ठोकिए। हल्का हल्का ठोकने से क्या है कि कहीं पे भी अगर कुछ भी फंसी हुई रहेगी ना तो वो थोड़ा साइड हो जाएगी। ठीक है, मैं ये बाजू से इसको हल्का ठोका तो यहाँ बाहर निकल गई है, ये देखिए। तो अब इसको हम क्या करेंगे, थोड़ा इसको हाथ से ऐसे ठोक लेंगे तो ये अंदर चली गई है। ठीक है, अब इसको चलाएंगे तो ये सपोर्ट नहीं मिल रही है, हाथ पे ज़्यादा जोर आ रही है। ये देखिए, अब मैं इस तरह हाथ से चला रहे तो इसका चक्की एक यहाँ कनेक्शन है, एक पीछे कनेक्शन है इसका और दूसरा कनेक्शन यहाँ से है। तो आप इसमें देख लीजिए इसके अंदर धागा या कुछ भी फंसा हुआ तो नहीं ना है। ठीक है, और उसके बाद ये चक्की देखिए, ये देखिए ये वाली बोल्ट और ये वाली बोल्ट, और इसको खोल करके, ठीक है, इसको खोल करके निकाल लेना है आपको। एक छोटा सा ऐसा रहता है एंगल, इसको निकाल लेना है। निकालने के बाद ये जो एंगल है ना, इसको पीछे गिरा दीजिएगा, इसको खोल के पीछे गिरा दीजिएगा। और यहाँ पे भी एक बोल्ट है और एक यहाँ पे भी बोल्ट है, इसको खोल लीजिएगा तो यहाँ से दो टुकड़ी हो जाएगी, यानी दो टुकड़ा में बैठ जाएगी। ठीक है, अभी ये कुछ हाथ से आसानी से फिर रही है, क्योंकि मैं चक्की को निकाल लिया हूँ तो इसका सपोर्ट ख़त्म हो गई है। और यहाँ पर एक बोल्ट रहती है देखिए, जिससे जिसको ये जाम करके रखती है, यहाँ पे बोल्ट रहती है। तो अब इसको हम टाइट कर लेंगे ताकि ये जाम रहेगी। और ये वाले को आपको यहाँ से ये दो बोल्ट खोलेंगे तो यहाँ से अलग हो जाएगी। ठीक है, ये अलग हो जाएगी। फिर एक साइड का यहाँ पे एक बोल्ट है, ये देख लीजिए, ये वाले यहाँ पे एक बोल्ट है, इसको भी खोल लीजिएगा, बाहर निकाल लीजिएगा। फिर इसको खोल के है ना आपको नीचे फिरा देना है ताकि ये जो बीच का जो रड है ना ये फ्री हो जाएगी। तो देखिए मेरे हाथ से
घूम रही है यहाँ से, तो ये फ्री हो जाएगी। तो इस तरह थोड़ा सा मशीन ऐसे फिरा फिरा, मतलब 2-3 मिनट ऐसे हाथ से चलाएंगे ना, और इसमें अच्छा से ऑयल डाल देंगे तो क्या है, ये फ्री हो जाएगी। तो आपका जो शिकायत है कि मशीन आगे नहीं घूम रही, पीछे नहीं घूम रही, तो आसानी से घूमेगी। इसमें क्या भी ख़राबी नहीं रहती है, ये जो सुई सलाई रहती है ना, इसमें ख़राबी नहीं रहती है। जाम यहाँ से पड़ती है, एक यहाँ से पड़ती है, सेम इसी तरह का जो सिस्टम है यहाँ पे रहती है, ये पीछे में यहाँ पे। तो इस तरह यहाँ से खोल के इसको गिरा लीजिएगा, फिर इसको यहाँ से अगर ये बोल्ट खोल लिए तो यहाँ का सिस्टम हट गई है। या अगर इसको खोल के इसको ऊपर करके वो पीछे गिरा लेना है, इसको खोल के ऊपर करके पीछे गिरा लेना है, तो ये आसानी से ऐसे फिरेगी, यहाँ से आसानी फिरेगी, आसानी से आप फिरा सकते हैं। तो आपको ये मालूम पड़ जाएगा कि जाम कहाँ से पड़ रही है, ये यहाँ से और यहाँ से, और ये तो इसका है ब्लेड के लिए, ऊपर नीचे करती है, तो यहाँ पर गोल चक्री है, तो इससे क्या भी ख़राबी नहीं होती है। लेकिन जब ये खोल लेंगे और ये खोल लेंगे और यहाँ का हटा लेंगे, यानी 1, 2, 3, तो ये बिल्कुल फ्री हो जाएगी। अब उसके बाद खोलने के बाद इसके अंदर का जो कचरा है साफ़ करके फिर से आपको फिटिंग कर लेना है, तो आपका जो जाम का शिकायत है वो सही हो जाएगी। तो अब हम इसको एक खाँच से देख लेंगे, यहाँ पे एक खाँच है, ये देखिए ये खाँच दिख रहा है, तो इसके अंदर कुछ कचरा भी है। इसमें एक पॉइंट रहती है, पॉइंट वाला बोल्ट रहती है, तो ये खांच में जाती है। तो पहले हम इसको टाइट करके देखेंगे कि किस में पॉइंट है, ये देखिए तो इसमें हल्का पॉइंट है। तो अब इसमें इसको हम टाइट करेंगे, यानी इधर का बहुत मोटा पॉइंट है, तो हम इसको ढीला कर लेंगे, अब इसको ढीला कर लेंगे, ये बारीक पॉइंट वाला है, तो हम ये बारीक पॉइंट वाला हम इस तरह इसको अंदर डाल देंगे। अब इसको हम टाइट कर लेंगे, ये खुद ब खुद खांच में जाके रुक जाएगी। अब ये साइड में भी हम इसको अच्छा से टाइट कर लेंगे, ये प्लेट को भी हम बैठा लेंगे। यहाँ पे एक पीछे बोल्ट है, दोनों जगह पे हम टाइट कर लेंगे। तो यकीनन है कि आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें, कोई भी सवाल है कमेंट करें।